हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने एक नया केस लेकर आया हूँ। ये देखिए, मेरे हाथ में स्टोमक ट्यूब है, एक पाइप है, इसको मैं पास कर रहा हूँ, इसोफेगस के अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। कितनी आसान तरीके से ये जाएगा ये देखिएगा। उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये केस है इम्पेक्शन ऑफ रूमन। ये देखिए, ये चला गया। पहले हम डालते हैं और फिर डालने के बाद रुक जाते हैं। ये झटके से देखिए, झटके से जाएगा। कितना बेहतरीन तरीके से ये अंदर पास हुआ है, ये देखिए। ये देखिए फिर यहाँ से झटके से जाएगा ये। और इसके बाद पाइप जाने के बाद हम इसके अंदर पानी का प्रेशर क्रिएट करेंगे। इसके अंदर पानी भर रहे हैं हम, और उसके बाद धीरे से ये देखिए आने लगता है। ये एक ऐसा माध्यम है, ये एक ऐसा तरीका है कि जो अनडाइजेस्टेड फीड रहता है, जिसकी वजह से अफारा बना रहता है, इम्पेक्शन होता है, वहाँ पर उसके रूमन के इंजेस्टा को हम इसके द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। ये बाहर निकाला गया था, लेकिन इसका इंजेस्टा निकलने के बावजूद भी ये बछड़ा के पेट का अफारा कम नहीं हुआ था, बंद नहीं हुआ था। तब हमें इस प्रक्रिया को करने के बाद भी इसकी रूमेनाटॉमी करनी पड़ी थी। रूमेनाटॉमी का मतलब पेट का ऑपरेशन करना पड़ा था, और ऑपरेशन करके इसके अंदर से हमने पॉलीथीन बैग निकाले थे, और बैग निकलने के बाद इसकी हमने वीडियो बना के डाली है 4 दिन के बाद की, जो पशु बिल्कुल चारा खा रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि बहुत से लोगों ने ये कहा था कि सर, आपने इसमें पाइप क्यों नहीं डाला? जब आप पाइप डाल के खोल सकते हैं तो आपने इसका ऑपरेशन क्यों किया? इसलिए ये वीडियो डालनी पड़ रही है कि हमने सीधा ऑपरेशन नहीं किया था, हमने पहले इसका पाइप डाल के इसके पेट की सफाई की थी, और सफाई करने के बाद ये हमने सोचा कि इसका अफारा टूट जाएगा। लेकिन पाइप डालने के बाद भी इसका अफारा नहीं टूटा, इंजेस्टा निकलने के बाद भी अफारा नहीं टूटा। अगर किसी भैंस का, पशु का इंजेस्टा निकलने के बाद भी अफारा नहीं टूटता है, तो आप ये समझ लें कि इसके अंदर फॉरेन बॉडी है। इसके अंदर से देखिए गाजर भी निकल रही है, ये गाजर तरह तरह की, चूँकि ये गौशाला में था, ये जो है क्या क्या सामान इसके अंदर से निकला है, हमने निकाला है। तो ये वीडियो इसलिए डाला है, लोगों की डिमांड पे डाला है, कि ताकि लोगों को पता चले कि हमने एकदम इसकी सर्जरी नहीं की। सर्जरी से पहले हमने इसको पाइप डाला, स्टोमक ट्यूब डाली, इसके अंदर से इंजेस्टर निकाला। इंजेस्टर निकालने के बाद आपको हम ये दिखा रहे हैं। तो देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, ताकि आप लोगों को और लोगों को भी ये पता चल पाए किस तरीके से क्या होता है। ये मैं काम है पशुओं की जान को कैसे बचाया जाए। ये बहुत सारे पशुओं की मौत जो होती है वो फॉरेन बॉडी से होती है, प्लास्टिक मटेरियल होता है, नॉन प्लास्टिक मटेरियल होता है, और उसकी वजह से मौत होती है। तो ये इसको निकाला, इसके बाद हमने ये पाइप को बाहर निकाल लिया। सफाई करने के बाद देखिए, ये पाइप को निकाल लिया, ये पाइप को निकाल लिया गया, और ये पेट इसका नीचे चला गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही फिर इसका में अफारा बनना शुरू हो गया। ये देखिए, निकलने के बाद भी इसमें फिर अफारा बन गया, इसलिए हमने इसका ऑपरेशन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।